गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके खंडसा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का लगभग 37 मिनट का एक वीडियो बनाया, जिसमें हमने उसके फार्मूले को बताया और इसके टाइप्स को बताया। ये भी बताया कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, किसको सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन मानने का तरीका क्या होता है, कैसे किस आधार पे किसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, किसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, और टाइप फर्स्ट में जिस टाइप का क्वेश्चन होता है उस टाइप फर्स्ट को भी बताया। और फिर हमने टाइप सेकंड के बारे में भी डिस्कस किया, इसके पिछले वाले वीडियो में टाइप सेकंड के बारे में भी डिस्कस किया। उसमें ये था कि एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद दूसरी बार भी इंटीग्रेशन करना होता है। और फिर अब हम टाइप थर्ड के बारे में बताएंगे। टाइप थर्ड है कि हम टाइप थर्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और तब तक मैंने देखा कि लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए हमने टाइप थर्ड के बारे में डिस्कशन नहीं किया। इसके आगे हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं कि टाइप थर्ड को कैसे हम सॉल्व करेंगे, टाइप थर्ड को सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीका होना चाहिए, टाइप थर्ड में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी और कैसे हम जानेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सब तरीके हम अभी आप लोगों को बताएंगे। अब टाइप थर्ड में है कि जब खंडसा समाकलन के लिए एक इकाई को द्वितीय फलन माना जाता है, जैसे टेन इनवर्स एक्स है। अब सिंपल सा टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा तो हमारे पास टेन इनवर्स एक्स का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो हम करेंगे ये कि टेन इनवर्स एक्स जब होगा तो उसमें हम उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वन से। अगर हम टेन इनवर्स एक्स में वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई अंतर नहीं होता है, या तो हम टेन इनवर्स एक्स लिखें या वन लिखें, बात एक ही होता है। जब हम टेन इनवर्स एक्स से मल्टीप्लाई वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो फंक्शन बन जाते हैं, एक हमारा हो जाता है टेन इनवर्स एक्स और एक हो जाता है वन। अब हम दो फंक्शन, जैसे किसी दो फंक्शन का जो हमारा फार्मूला होता है इस पर हम लागू कर सकते हैं। दो फंक्शन मतलब पहला फंक्शन टेन इनवर्स और दूसरा फंक्शन वन। अब हम इसको टेन इनवर्स को एक्स को फर्स्ट और वन को सेकंड मान लेंगे। अब उसके बाद जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जब हम पहला फंक्शन टेन इनवर्स एक्स मानेंगे तो फार्मूला जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स पहला फंक्शन और वन हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेम एंड दूसरे फंक्शन का समाकलन, तो हमने कई बार बता चुके हैं कि किसी भी कांस्टेंट का हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको हम एक्स हो जाता है। तो अगर डी एक्स है और माइनस डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स और इंटू फिर से वन का इंटीग्रेशन किए डी एक्स और का डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स सेम हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हम ऐसे ही रहने देंगे। और डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा और टेन इनवर्स एक्स का हमको अवकलन गुणांक पता है, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक्स फिर डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपान टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। फिर से हमारे पास प्रॉब्लम आएगी कि दो फंक्शन हमारे पास हो जाएगा, एक एक्स हो जाएगा और एक वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा टू एक्स और नीचे हो जाएगा टू, तो टू हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और उसके बाद हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम सिंपल सा जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया, जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे तो 2xdx = dt हो जाएगा और ये हमारा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं, कहीं कहीं अगर फार्मूला हो चाहे एक नंबर में ये पूछ सकता है कि टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन बताएं, टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन बताएं, तो टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन के लिए आपको करना यही होगा कि x टेन इनवर्स x माइनस हाफ लाग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सीधे सीधे हम ये भी लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स x बराबर x इंटू टेन इनवर्स x माइनस हाफ लाग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन हुआ। ऐसे ही
हम आगे के क्वेश्चन में भी डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा सेम ऐसे ही रहेगा कि आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो भी ऐसे ही रहेंगे कि हमें करना क्या होगा। जैसे 10 inverse x वाला तो हो गया, अब आगे हम देखते हैं एक क्वेश्चन है cos inverse 1 - x² / 1 + x² dx। अब जैसे हम फर्स्ट की भांति ही इसको भी कर लेंगे और ये क्वेश्चन भी हम समाकलन के थ्रू कर लेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी हमें लगे कि अब हमारा काम नहीं बन पा रहा है, अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तब हम यही करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि उसमें वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आप अगर पेशेंस रखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। आइए अब आगे देखते हैं आगे के क्या क्या हैं, क्या रूल हैं उसको देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हम अब टाइप फाइव देखते हैं। टाइप फाइव है त्रिकोणमितीय सूत्रों द्वारा मानक खंडशः रूप के प्रश्न। त्रिकोणमितीय सूत्रों द्वारा मानक खंडशः रूप के प्रश्न। अब हम त्रिकोणमितीय सूत्रों के द्वारा मानक खंडशः रूप का प्रश्न करेंगे जिसमें x/(1 + sin x dx) है। हमने अब अभी तक हमने चार टाइप्स बता चुके हैं, अब टाइप नंबर फाइव बताएंगे कि टाइप नंबर फाइव में त्रिकोणमितीय सूत्र द्वारा मानक खंडशः रूप में प्रश्न को कैसे करते हैं। अगर सपोज कर लो कि x/(1 + sin x) है, वो x/(1 + sin x) है, तो इसको हम खंडशः के थ्रू कैसे करेंगे। अब माना कि सबसे पहले हम तो ये करेंगे, i बराबर x/(1 + sin x) कर लेंगे। जब i बराबर x/(1 + sin x) कर लिया तो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार क्या करेंगे कि ऊपर नीचे 1 - sin x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें x/(1 + sin x) है तो इसके अपोजिट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - sin x और 1 + sin x 1 - sin x। अब हम क्या करेंगे कि जब x से 1 - sin x में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x - x sin x और 1 + sin x 1 - sin x का हो जाएगा 1 - sin² x। और हम ये x - x sin x सेम, और इसको हम जानते हैं 1 - sin² x = cos² x होता है। जैसे हम एक फार्मूला ये जानते हैं ना कि sin² x + cos² x = 1, वैसे ही हम 1 - cos² x = sin² x जानते हैं। अब हम क्या करेंगे कि x - x sin x / cos² x को अगर हम x 1 - cos² x होगा तो उसको x sec² x लिख देंगे, और x sin x / cos x को हम लिखेंगे 10x और sec x। इसके बाद हम x sec² x और d/dx sec² x dx और -x sec x 10x। अब हम देखेंगे कि x sec² x सेम होगा, sec² x का हम 10x लिख देंगे और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन 10x होगा और ये हमारा x sec x 1 × sec x dx और x 10x - log sec x - x sec x - log sec x + 10x और x 10x - sec x - log sec x + log sec x + 10x। कहने का मतलब कि ये जो पांचवा वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग हटके है, इसमें आपको थोड़ा इसमें ज़्यादा ही वर्क करना होगा। वर्क मतलब कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो x/(1 + sin x) तो इसके नीचे वाले में इसके अपोजिट वाले से, इस अपोजिट वाले साइन से गुणा कर देते हैं, ये भी हम कह सकते हैं कि इसका परिमेयकरण कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। जब रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज का ये नियम होता है कि जो 1 + sin x है उसके अपोजिट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कहने का मतलब कि ये x/(1 + sin x है तो ये हमारा 1 माइनस
साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, उसको हम कास स्क्वायर एक्स के रूप में रख लेंगे, और उसके बाद एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स एक्स अपान कास एक्स और साइन एक्स अपान कास एक्स इक्वल टू 10x हमारा हो जाएगा, और उसको हम खंडशः समाकलन के द्वारा तोड़ लेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब x अपान 1 प्लस साइन एक्स का त्रिकोणमितीय सूत्रों द्वारा मानक खंडशः रूप का फलन के प्रश्न को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि x अपान 1 प्लस साइन एक्स। अब ये कन्फर्म हो गया कि x अपान 1 प्लस साइन एक्स को हमें कैसे सॉल्व करना है, और इस चीज़ों को हमने करके दिखाया। अब हम देखते हैं टाइप 6 विशेष फलन, स्पेशल फंक्शन। अभी तक हमने ये देखा कि पांच टाइप को देख चुके हैं, जिसमें वन बाई वन करके हमने बताया। अब हम टाइप 6 देखेंगे और इसको भी वन बाई वन करके इसको भी हम बताएंगे, विशेष समाकलन, विशेष फलन, स्पेशल फंक्शन। अब स्पेशल फंक्शन में हम देखेंगे कि e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, और e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी, और दूसरा हमारा होगा ये x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू x एफ एक्स प्लस सी। अब इसको हम प्रमाणित भी करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, और e टू द पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस e टू द पावर x एफ डैश एक्स और एफ एक्स e टू द पावर x डी एक्स अपान डी बाई डी एक्स एफ एक्स e टू द पावर x डी एक्स प्लस e टू द पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स और e टू द पावर x एफ एक्स माइनस e टू द पावर x एफ डैश एक्स प्लस e टू द पावर x एफ डैश एक्स प्लस डी एक्स प्लस सी, और इसको हम लिख सकेंगे e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। अब उसके बाद हम दूसरा फंक्शन होगा x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स और x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स x एफ डैश एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा x एफ एक्स माइनस वन इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स प्लस सी और एफ एक्स प्लस सी। ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 विशेष समाकलन। अब इसके ऊपर के क्वेश्चन को हम देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या होगा हमारा, इसके ऊपर के क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। हमने टाइप 6 बता दिया, अब टाइप 6 में कुछ हमारे क्वेश्चन होंगे उस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। सपोज कर लो e टू द पावर x साइन x प्लस अब हम देखेंगे कि e टू द पावर x साइन x प्लस कास x का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब मान लो e टू द पावर x साइन x प्लस कास x डी एक्स है, तो सबसे पहले साइन x को फर्स्ट फंक्शन मान लिया और e टू द पावर x को सेकेंड फंक्शन मान लिया, और जैसे हम खंडशः समाकलन करते हैं वैसे ही हमने इसको कर दिया। उसके बाद हम इसका सोलूशन निकाल लेंगे और इसको कर देंगे। हमने देखा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या बता दिया। खंडशः समाकलन में हमने ये भी बता दिया कि आपको सबसे पहले तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमने ये बताया कि अगर दो फंक्शन है तो उसका समाकलन हमें कैसे करना चाहिए, अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो उसका समाकलन कैसे करना चाहिए, और उसका फार्मूला क्या है, कैसे हम करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हमने आपको बताया, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये भी आपको बताया कि एक ही चीज़ को कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन हमको मिल गया। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि इसमें हम किसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, किसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, ये चीज़ें भी हमने आपको बताया कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, किसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे तो हमारा काम हो जाएगा,
और उसके बाद हमने आईलेट पे भी डिस्कशन किया। आईलेट मतलब एक एक चीज़ को बताया, जो कि हम फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन सबका हमने डिस्कशन किया और एक एक चीज़ को हमने बताया। और फिर हमने टाइप फर्स्ट के बारे में भी डिस्कशन किया और टाइप सेकंड के बारे में भी डिस्कशन किया और फिर हमने टाइप थर्ड, टाइप फोर, टाइप फाइव सबके बारे में डिस्कशन किया। इसके बाद वाला वीडियो हम दूसरे वाले वीडियो में बनाएंगे और इसको आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमें पता ना क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इंटीग्रेशन के अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ऐसा तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज ये सोचें कि हम क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, वीडियो को ना देखें तो क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएं, तो हमें नहीं लगता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और रही बात, तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और जितना मैक्सिमम हो सके आपको हम अपना दे सकूं, मतलब कि जितना मैक्सिमम होगा वो मैं देने के लिए और फिर से एक बार हम आईलेट हमने आईलेट के बारे में भी बताया। आईलेट इस खंडसा समाकलन का सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आईलेट के बारे में आप जान जाते हैं, आईलेट को आपको अपने आईलेट के बारे में हमने बताया है कि आईलेट क्या है, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगर आप आईलेट को यूज करना जान जाते हैं तो हमें पता ना क्यों ऐसा लगता है कि आप खंडसा समाकलन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो एक बार और बता दे रहे हैं हम, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हम एक एक चीज़ को आप जान जाते हैं तो हमें एकदम कन्फर्म है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए आज के वीडियो में मैं सोच रहा हूँ यहीं पे एंड करूँ, यहीं पे बंद करूँ। उसके बाद अगले वाले वीडियो में हम और इसके कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करूँगा और कुछ क्वेश्चन को बताऊँगा। आज वाले वीडियो में इतना ही और इसके लिए धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, आपको प्रॉब्लम होगी तो कोशिश करिएगा कि आप कमेंट करिए और वीडियो में जो भी प्रॉब्लम हो उसको बताइए। इसके लिए धन्यवाद। इस वीडियो में आप देखिएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम लगेगी उसका कमेंट करिएगा कि ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम फिर से उस पर वीडियो बनाएंगे। जो मुझसे स्टेप छूट गया होगा उस स्टेप को आप देखिएगा, अगर मिस हुआ होगा तो उसको कमेंट करिएगा, जिसका फिर से हम वीडियो बना के यूट्यूब के इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपको मैक्सिमम हेल्प मिल सके और आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैंने इतना वो करके चाह रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम हो सके आपको अच्छा सलूशन मिल सके और अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, जिससे कि आपको कभी भी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर इंटीग्रेशन आपको समझ में आते हैं तो हम सेकेंड ईयर में जब जाएंगे, सेकेंड ईयर में भी मैथ है जो कि थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर में हेल्प मिलेगा। अगर अदरवाइज आप इंटीग्रेशन नहीं समझे रहेंगे, नहीं जाने रहेंगे, तो वहाँ पे भी मैथ में थर्ड में आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आप कोशिश करिए कि जितना मैक्सिमम हो सके उतना आप इस वीडियो को देखिए, प्रॉब्लम होती है कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट देखूँगा और कमेंट पढ़ने के बाद आपको एनी हाउ मैं चाहूँगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। और जब आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी लगेगा कि पढ़ने से या वीडियो बनाने से कुछ फ़ायदा है। अदरवाइज़ हम केवल वीडियो बनाते रहें और आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो ये कन्फर्म है कि कोई मेरा वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, कोई रिस्पांस मतलब कि ये नहीं रह जाएगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और उसका कुछ रिजल्ट हमें मिल रहा है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये कन्फर्म है कि कुछ ना कुछ तो कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए और उसमें जितने टाइप्स हैं उसको देखिए। और मैंने पूरा कोशिश किया है कि इसमें खंडसा का स्टेप बाय स्टेप बताने का कोशिश किया है और स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया भी है।
खंडशः समाकलन में पहले तो हमने दोनों फंक्शन का फार्मूला बताया है, उसके बाद हमने पहला फंक्शन किसको मानते हैं ये बताया है, और अगर आप पहले फंक्शन का तरीका जान चुके हैं कि कैसे हम पहले फंक्शन को कैसे मानते हैं और कैसे यूज करते हैं, तो कन्फर्म है कि आगे के काम आप कर जाएंगे। इसलिए आप एक एक चीज़ को, एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा और स्वाभाविक सी बात है कि आप इसको अच्छे से कर ले जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।